91.2 NIVH हेलोदून को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमा। दोस्तों, एक बार फिर लेकर आ गई हूं आपका अपना कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से। क्या आप जानते हैं कि जब तक संस्कृत हमारे ज्ञान की भाषा थी, तब तक हम दुनिया में विश्व गुरु बने रहे। जैसे ही हमने अंग्रेजी का पीछा किया, हम चीजों को पश्चिम के दृष्टिकोण से ही समझने लगे। लेकिन अभी वो समय है कि हम अपनी युवा पीढ़ी को अंतर विषयक ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे वे आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन ग्रंथों का भी अध्ययन करें, अंग्रेजी के साथ संस्कृत को भी पढ़ें, ताकि भारतीय दृष्टिकोण से विज्ञान आधुनिक प्रबंधन को समझ सकें। बस इसी छोटे से प्रयास के साथ हम ये कार्यक्रम दिव्यांगता भारतीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और इसके लिए निपवेट के निदेशक प्रोफेसर नचिकेता राव जी हमारे स्टूडियो 91.2 NIVH हेलोदून में आ चुके हैं। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं प्रोफेसर नचिकेता राव जी का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। हिंदी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसकी क्या खासियत है पहले ये बताइएगा, फिर आगे हम अपनी कहानी की ओर चलेंगे। ठीक है। ठीक है, जिस लिपि में हम लिखते हैं, संस्कृत तो पुरानी भाषा रही, पहले ब्राह्मी में लिखी गई, खरोष्ठी में भी लिखी गई, तो सम्राट अशोक के जितने भी स्तंभ हैं और उसमें जो लिखा हुआ है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। एक मिनट रुकना चाहूंगी सर आपको, खरोष्ठी भी एक भाषा का भाषा की लिपि है। लिपि है, वो लिखने का एक ढांचा है। उसे हम पढ़ सकते हैं? अभी नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लिखी जाती थी। हाँ, खरोष्ठी, खर यानी कि गधा, और ओष्ठी मतलब कि ओंठ, तो ऐसे गधे के ओंठ के जैसा गोल गोल आता था, इसलिए खरोष्ठी नाम हुई इसकी। ब्राह्मी लिपि खूब चली, सम्राट अशोक के समय तो खूब चली वो लिपि। और ब्राह्मी हम मानते हैं कि माँ सरस्वती का नाम है, और जो ऋषभ नाथ हैं उन जैनों के पहले तीर्थंकर, उनकी बेटी का नाम भी ब्राह्मी रहा। तो वो लिपि चलती थी। उसके बाद देवनागरी लिपि का सृजन हुआ, जो आपका ख ग घ या अ आ ई जो बारखड़ी आप जानते हैं, वो आज की तारीख में वो देवनागरी लिपि है। उसी में संस्कृत लिखी गई, और उसे शारदा का भी नाम दिए आदि शंकराचार्य ने। तो लिपि फिर वो थोड़ी उन्नत है। और आप जानना चाहती हैं कि इस लिपि में क्या खासियत है जी, तो इसका सृजन आप सुने, कथा बड़ी प्यारी है। एक दो शब्द आपको पहले समझने की आवश्यकता है। आपने सुना है रितंभरा, ये नाम सुना है आपने? सुना है। अप्सरा थी क्या? नहीं, अप्सरा भी एक थी, लेकिन आजकल एक साध्वी रितंभरा भी, उनका नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। तो रितंभरा जो शब्द है उसका मतलब ये है कि आप में वो क्षमता कि आप किसी भी वस्तु को देखते ही आप ये जान पाए कि वो किस शब्द से बना है। हमारी ये धारणा है कि जो सृजन हुआ वो शब्द से हुआ, वो किसी आवाज से बना, है ना? साउंड इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन, हमारी ये धारणा है। इसलिए तो तानसेन जब गाना गा जाते थे तो दिया जल जाता था, बैजू बाबरा गाना गाते थे, तो मतलब शब्द का अपना असर होता है। हर चीज दुनिया में शब्द से बनी हुई है, और उस शब्द के ढांचे को देख लेने की प्रज्ञा को रितंभर प्रज्ञा कहते हैं जी, है? तो पहली बात तो ये आपको जाननी पड़ेगी। तो कुछ हुआ कुछ यूं कि चितंबर मंदिर आपने सुना है, जितने भी शक्तिपीठ हैं, यहाँ केदारनाथ है, केदारनाथ से सीधा आप एक लाइन ले जाएं तो जहां दक्षिण में मिलता है वो, वहां चितंबर का मंदिर है जी। तो चितंबर शिव जी का मंदिर है। तो कुछ यूं हुआ कि सप्तर्षि, सात ऋषि थे, उनमें अगस्त्य थे, पाणिनि थे, ये सारे के सारे थे। तो शिवजी के पास बैठे ही है, शिवजी भी ध्यान मग्न बैठे हुए थे, और पाणिनि ने एक सवाल पूछा कि महादेव आप ये बता सकते हैं कि ये पूरी जो सृष्टि है ये बनी कैसे है? अगर शब्द ब्रह्म है तो शब्द से ही बना है जी। तो इस पृथ्वी में, इस पूरी सृष्टि में जो जो आप देख रहे हैं वो किन शब्दों से बना है? ऐसा कहते हैं कि महादेव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया और पाणिनि को वो ढांचे दिख गए जो कि आज के 12 खड़ी हैं जी। ठीक, तो पाणिनि के पास वो रितंभर प्रज्ञा रहा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगस्त्य ने जो ढांचे दिखे उससे तमिल बन गया, ठीक है ना? हाँ, उस समय का ही भाषा है वो। तो
अभी जो आप बारह खड़े लिखते हैं अ आ ई ऊ, वो उन्हीं शब्दों का आकार है, इसलिए बोलते ना अमंत्रम अक्षरम नास्ति, उन्हें अक्षर बोला जाता है जी, जिसका शर नहीं होता है, और हर अक्षर का अपना एक हीलिंग प्रॉपर्टी होता है, एक मंत्र की क्षमता उसमें होती है। और अगर आप अक्षरों को देखें तो हमारे जो ये सात चक्र हुए हैं मूलाधार से सहस्रार्थ, हर एक चक्र के ऊपर कुछ ना कुछ अक्षर लिखे गए होंगे, यानी कि उन अक्षरों का प्रभाव आपके शरीर के ऊपर होता है जी, बिल्कुल। अगर आप उन अक्षरों को सही ढांचे में सजा सकें, तो अगर आप सही ढांचे में अक्षर को सजा सकें तो वो बन जाता है मंत्र, और उसका जो ढांचा बनता है वो है यंत्र जी। तो ये खासियत रही हमारी देवनागरी लिपि में, जहाँ की मंत्रों के जैसे अक्षरों का समूह बनाया गया, इसलिए कहा जाता है ना कि अगर आप सही उच्चारण कर मंत्र पढ़ रहे हैं तो आपके शरीर में ये घटना हो जाएगी इतने बार अगर आप जाप कर दें, क्योंकि उन मंत्रों का असर अपने शरीर में होती है। इसमें कोई मिथक नहीं रह गया है जी, क्योंकि आज के तारीख में लोग बोलते हैं कि अभी आप इंटरनेट पर सर्च कर लें, ये बोला जाएगा कि वाटर हैज मेमोरी, यानी कि अगर इस पानी के ग्लास को आप एक खास तरह का मंत्र उच्चारण करें और उसके बाद इसके मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को देखें तो उसका ढांचा एक ढंग का होगा। अगर आप इसे नफरत भरी निगाहों से देखें यूं जी, तो इसका ढांचा अलग होगा। अगर हिटलर हिटलर बोलें तो अलग ढांचा होगा, मदर टेरेसा बोलें तो अलग ढांचा होगा। इसलिए आपको याद होगा ना कि पीने से पहले आज भी, खाने से पहले आज भी जी, एक मंत्र बोला जाता है या ध्यान किया जाता है और फिर पिया जाता है, ताकि ये हितकारी हो आपके शरीर के लिए। तो शब्दों का अपना असर रहा और देवनागरी लिपि बनी भी वैसे मंत्रों के हिसाब से। ऐसे भी अगर आप देखें तो हमारी देवनागरी लिपि ऐसे है कि सबसे पहले जो दो सेट हैं अ आ ई ई उ ऊ रु ए ऐ ओ ओ अंग, ये जो है ये स्वर हैं, इनमें मुख खुला रहता है और जीभ अलग अलग जगह जाती है। तो अभी अगर आप वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स देखें तो लिंग्विस्ट्स बोलते हैं ना कि वावल से या स्वर को अगर आपको सजाना है तो आप उसे पोजिशन ऑफ द टंग, राउंडिंग ऑफ लिप्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन, कितना मुंह खुला, उसके ऊपर आप उसे सजा सकते हैं। तो वैसे अगर देखें तो वैसा ही सजा हुआ है जी। उसके बाद जो व्यंजन होते हैं उनकी सजावट के लिए लिंग्विस्टिक्स या वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स बोलता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और वॉइसिंग। प्लेस यानी कि कहाँ से उच्चारण हो रहा है, तो आप अगर क वर्ग देखें तो क ख ग घ ङ से लेके क च ट त प पीछे से आगे आता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जी। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन अगर आप देखें किस तरह उच्चारण होता है, तो क वर्ग जो होता है वो आवाज को रोक के छोड़ता है, तो वो स्टॉप हो गया, इनके आवाज को रोकता है। फिर च जो वर्ग हो गया वो आवाज को आधा छोड़ता है, अफ्रिकेट जिसे हम बोलते हैं। ट रेट्रोफ्लेक्स होता है, फ्लैग फ्लेक्स जो करता है। त भी स्टॉप है लेकिन आगे आ जाता है, और प भी स्टॉप है आगे आ जाता है। उसके बाद य र ल व ग्लाइड जिसे हम बोलते हैं, तीन तरह के श श श, उसके बाद ह ग्लॉटल, छ त त्र ज्ञ, ये हो जाते हैं ब्लेंड्स। तो अभी अगर आप देखें तो जहां वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स नहीं पहुंच पाया है उस फोनेटिक अरेंजमेंट में हमारा देवनागरी है। तो ये है खासियत देवनागरी लिपि की और खासियत संस्कृत भाषा की, कि अगर आप सही उच्चारण भी करें तो आपकी शुद्धि करता है। एक शब्द सुना आपने वाक शुद्धि जी, वहीं से आया। आप कभी भी वो शब्द नहीं तैयार कर सकते हैं जो कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। उदाहरण के लिए इस चीज के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, तो माइक शब्द कभी भी हिंदी संस्कृत या उड़िया का नहीं हो सकता, अंग्रेजी हो सकता, क्योंकि उन्होंने तैयार किया। वैसे ही एयर कंडीशन, उसको ट्रांसलेट आप वातानुकूलित ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एयर कंडीशन उनका अपना बुनियादी शब्द है। वैसे ही रितम भरा, वैसे ही शून्य, वाक शुद्धि, ये चूंकि शब्दों के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए हमारे भाषा कोश में है। ये है खासियत हमारी भाषा की, जो कि लिंग्विस्टिकली सॉलिड है, जो कि आपके शरीर को भी शुद्ध करती है और जो कि आप सुनने में भी उच्चारण के हिसाब से भी अच्छी है, तो हर तरफ से अच्छी है।